हेलो मैडम जी, हेलो, इधर घूरिए ना प्लीज, एक स्माइल। क्या कर दिया मेरे का? क्या आपको ये क्या हो गया? ये रहा बाबू का गाड़ी गाइस। ना मेरा औकात है गोप्रो लेने का और ना मेरा औकात है अभी मुझे पढ़ने का, क्योंकि और पढ़ने का मन भी नहीं है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कारण आजकल बन गया है पैसा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सानू भाई और आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल पे वीडियो वगैरह नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा कुछ प्रॉब्लम और सिचुएशन कुछ ऐसे चल रहा है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ समय पे। सो चाहकर भी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि यार ऐसा ही सिचुएशन आ गया है लड़कों को। यार लड़के तो सपने देख के भी उसका पूरा नहीं कर सकते, क्या ही बोले, सपने सपने ही रह जाते हैं, और सपने को पूरा करने के लिए समय भी चाहिए होता है, वो समय हम लोग दे नहीं पाते। सो वीडियो बनाने के लिए मैं मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। पर क्या करूँ, करना तो पड़ता ही है, जिम्मेदारी जो है अपने सर पे। सो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा, तो काइंडली इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ कि मैं अभी दीमापुर में हूँ गाइस, इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहा। यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ और जी रहा हूँ यार। थोड़ा बड़ा एरिया दिखाऊंगा आप सबको दीमापुर का। सो थोड़ी देर के बाद में हम लोग जाएंगे, और फिलहाल मैं यहाँ पे रहता हूँ इस छोटे से कमरे पे। और ये रहा एक बच्ची जिसका नाम है रूमिला। तो एक वीडियो में मैंने जिसको दिखाया था कि एक आई बहुत मतलब डिफरेंट था और एक आई डिफरेंट था, वही बच्ची है ये, आप लोग देख सकते हैं ये बच्ची है वो। और बाबू काका के साथ में हूँ मैं, बाबू काका काकी सब लोग यहाँ पे रहते हैं, और मैं भी बाबू काका के अंडर में ही हूँ, यहाँ पे उसके साथ काम कर रहा हूँ और पैसे कमा रहा हूँ और मम्मी को भेज रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और क्या दिखाऊँ आप सबको, यार हम लोग छोटा सा किचन, एंड यहीं पे हम लोग खाना सब्जी पकता है, हम लोग तो नहीं बनाते, काकी बना के देता है, उसके लिए सो थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ काकी को। ये है एरिया जहाँ पे हम लोग रह रहा हूँ मतलब। तो बाहर की तरफ थोड़ा जाते हैं और दिखाते हैं क्या है। तो गाइस यह है एरिया जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, इस साइड पे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है भाई, इस साइड में भी बिल्डिंग है, और ये छोटा सा घर हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ फिलहाल तो। एंड यह है हम लोग का कुआँ जहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं, ये काफ़ी गड्ढा है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पानी निकालते हैं, यहाँ से नहाते हैं, यहाँ से पीते हैं पानी। एंड वहाँ पे टॉयलेट, हम लोग फटाफट से रेडी हो जाते हैं और जाते हैं रोड साइड पे आप लोगों को थोड़ा सा नज़ारा दिखाने के लिए, एंड बने रहिए अंत तक, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस मैं तो हो चुका हूँ रेडी, हमारा बाबू का रेडी नहीं हुआ है भाई, अभी अभी सो के उठा है जी, रुकते भाई परेशान है, पानी उठा ले, अभी हाथ पैर धो रहा है, उसके बाद जाएंगे। क्या जी बाबू का कहाँ जाएंगे बताओ ज़रा, ऑडियंस को कैसे है हालचाल, कैसे होगा बोका से बोलो भयंकर। तो ये हाथ पैर धो रहा है, अभी रेडी होगा तो रेडी होने के बाद में रोड साइड जाएंगे घूमने के लिए थोड़ा सा, आज संडे है। सो बच्चे के साथ में घूमना पड़ रहा भाई, अच्छी बात है। कौन है, नाम बताओ जल्दी से। रूमिला। क्या नाम है? मोर। रूमिला क्या लिखते हो, की लिखे टाइटल की? नाग। नाग नाग है, बिलुम है, है बिलुम। बिलुम नाग की है क्या? नाग है क्या? बच्चा काफी मजा किया है, खेलते रहता है मेरे साथ में 24 घंटे। तो दोस्तों हम लोग अभी रोड साइड जा रहे हैं, मेन रोड के साइड पे, एंड ये सब देख ही सकते हो नज़ारा, हम लोग के लाइन पे ऐसा ही है, इस साइड से हम लोग जाते हैं और वो कॉर्नर पे हम लोग जाके घुसते हैं, उस साइड से हम लोग का रूम निकलता है, और आगे के साइड पे ऐसा है। शाम हो गया तो अभी शाम के टाइम पे ही जा रहे हैं, बाबू काका और उसके बेटी, उसके बाद वो रहा काकी। यहाँ नागालैंड दीमापुर के लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, मैंने जैसे सोचा था वैसा है नहीं, काफ़ी ही अच्छा है, उससे भी मतलब बेहतर और क्या बोल सकते हैं, अच्छा है,
काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं और दारू पीने वालों को छोड़ के बोल रहा हूँ। तो मुझे टाउन के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा शहर है दीमापुर, मुझे पता नहीं था कि दीमापुर इतना बड़ा होगा। और आया हूँ, घूम रहा हूँ एंड क्या ही बोल सकता हूँ। आप लोग देख रही है, देख लीजिए खुद ही नज़ारा, ये तो सिर्फ गली का रोड है। क्या जी इतना चुपचाप जा रहे हो? हाँ जी बोलिए कुछ कुछ। अरे यार बोका चो तो तू फिर से आ गया। मेरा तो काम ही है। अरे तुम मेरे मजाक उड़ा रहे क्या? तेरा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई। अरे भाई ऐसा नहीं करने का। अच्छा। देखो इधर को ना, हाँ बहुत कुछ मतलब कैसे बोलेगा वो। अच्छा अच्छा एक सेकेंड, आपने बोला था कि मतलब बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ, शादी तो कर लिया पर कहाँ दिखाया ऑडियंस को, कहाँ दिखाया जी? ठीक है भाई, पता है ये बंदा, इस बंदे का मतलब रील बहुत ही वायरल हुआ था। मीन्स ये काका लगता है, मतलब साइड पार्ट में मैं इसे काका बुलाता हूँ। और काकी का चेहरा तो देखा नहीं, मुँह छुपा के भाग रहे जी। अरे थोपड़ा तो दिखा दो। हेलो मैडम जी, हेलो इधर घूरिए ना प्लीज, एक स्माइल एक स्माइल। अरे क्यों मुंह क्यों ढक रहे हो जी? अरे दिखाइए ना भाई, ये रहा। तो गाइस ये है काकी, आप लोग देख सकते हो। एंड ये रहा काका, शादी कर लिया पर किसी को बताया तक नहीं। एंड ये रहा छोटे से बच्चे जिसको मैंने दिखाया था आपको वीडियो में पहले भी। अरे गाइस ये हमें सीसीटीवी कैमरा है। हेलो भाई साहब, ये कौन बंदा था, इसको पकड़ो, बोलने से तो गया ला। ये लाल किला है, कहाँ का? दीमापुर का लाल किला, आप लोग देख सकते हो गाइस, दीमापुर का लाल किला ये है। ये लाल किला काफी बड़ा है जी। ये लाल किला का मालिक कौन है पता है? कौन? तो अरे भाई नमस्कार, हैंड चेक प्लीज। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। इतना काहे हंस रहे हो जी? ये कौन सा ट्री है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस ये हम लोग का पहले एंटर करने वाला बोर्ड, यहाँ से हम लोग का गली घुसता है। ये कौन सा जगह है आप लोग अगर दीमापुर से देख रहे हैं तो आप लोग बताना कि ये कौन सा जगह है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना कि ये कौन सा जगह है। ये 4 माइल पे है, 4 माइल कौन सा एरिया वो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। और बाबू का कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई क्या बताएंगे, ये 4 माइल तो 4 माइल ही है, फिर भी हाँ इस जगह को मतलब इस गली को बोलता है कार माइल। अच्छा अच्छा चलो आगे चलते हैं, इधर देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और मेन रोड साइड पे तो भीड़ होता ही है, वो तो नॉर्मल सी बात है। पर एक चीज़ मैंने नोटिस किया गाइस, यहाँ का बाजार ना चाइना और जापान के बाजार के जैसा ही है, मतलब सिमिलर, इतना ज़्यादा नहीं पर सिमिलर वैसा ही है। मतलब मैं अभी बाजार जाने को समय मिला नहीं है, उस दिन गया था उस समय मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ पे नया था ना, कोई कुछ बोल देगा बोल के मुझे डर सा लग रहा था। पर अभी तो इतना डर वो नहीं है, मैं बना सकता हूँ मतलब। तो किसी दिन जाएंगे और दिखाऊंगा मैं बाजार का मतलब हालचाल कैसा चलता है, मतलब हाव भाव वो सब मैं दिखाने को कोशिश करूँगा आप सबको। और फिलहाल तो हम लोग अभी जा रहे हैं 3 माइल के तरफ, ये 4 माइल था, 4 माइल से आए हैं, अभी 3 माइल के साइड पे जाएंगे कुछ बाजार वगैरह करने के लिए, शायद बाजार वगैरह करेगा, घूमने के लिए जा रहे हैं। एंड क्या कर रहे हो भाई? भाई बंदूक ले तो अच्छा। यहाँ पे रोड पूरा खाली हो गया, उस साइड पे सब लेके जा रहे हैं गाड़ी लोगों को, और यहाँ पे किस कारण वो रास्ता ब्लॉक कर दिया है। और हम लोग इस तरफ से जा रहे हैं, मेन रोड पे तो चल सकते हैं ना, कुछ नहीं बोलेगा। हाँ भाई ऐसा लग रहा है जैसे हम आ रहे हैं, पूरा रास्ता खाली हो गया। क्या बात है, तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा रास्ता फ्री है यार। एंड काफ़ी खूबसूरत है जगह, नज़ारा अच्छा लग रहा है मुझे।
फुटपाथ पे चलो या फिर, अच्छा रास्ता खराब है ना, अच्छा रास्ता बना रहा है इसीलिए यहाँ पे मतलब ब्लॉक कर दिया है जगह, और ये पूरा रोड खाली है। राइडर्स के लिए काफ़ी बढ़िया जगह है यार, डायरेक्ट स्ट्रीट स्ट्रेट है भाई, डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट है रास्ता, ये हाईवे पूरा स्ट्रेट है भाई, क्या मस्त है जगह। अगर बाइक होता ना तो इतना भागा था यहाँ पे। और अभी स्ट्रीट लाइट यहाँ पे पहुँच गए, स्ट्रीट लाइट के सामने, और कुछ बंदे मुझे बोल रहे थे, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई आपका कैमरा क्वालिटी का अच्छा नहीं है, गोप्रो ले लो वगैरह वगैरह बोल रहे थे। एंड काफ़ी लोग बोल रहे थे कि भाई तुम अभी मतलब घर के पास के लोग बोल रहे थे, जैसे मेरे जान पहचान के लोग मुझे बोल रहे थे कि भाई तू पढ़ लिख के अगर हाजिरा ही करना था तो पढ़ा क्यों, ये मुझे बोलता है भाई, पढ़ा लिखा है कुछ दूसरा कुछ काम करो, या फिर स्कूल क्यों छोड़ दिए, स्कूल पढ़ो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो उन लोगों में बताना चाहता हूँ कि ना मेरा औकात है गोप्रो लेने का और ना मेरा औकात है अभी मुझे पढ़ने का, क्योंकि और पढ़ने का मन भी नहीं है मुझे, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा कारण आजकल बन गया है पैसा, सबको पैसा चाहिए गाइस, भाई हर चीज़ में पैसा ज़रूरी है यहाँ पे भाई, नहीं तो कुछ भी नहीं होता भाई। अगर देखो अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं आगे पढ़ पाता, मैं अपने नाना जी को बचा पाता, मैं अपने नानी जी को बचा पाता अगर मेरे पास पैसा होता तो, भाई ये बात आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है ना। और वो बात है कैमरा क्वालिटी की, तो मेरा औकात नहीं है भाई मुझे गोप्रो लेने का, मेरा औकात नहीं है अभी, मेरे पास ना पैसा है ना कुछ, मेरे खाने तक के पैसे नहीं होते तो मैं गोप्रो कहाँ से लाऊँ। गोप्रो का दाम मालूम है भाई, सस्ता में तो कुछ मिल जाएगा, 4-5 हज़ार में मिल जाएगा, पर उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है भाई, मैंने देखा है मेरे दोस्तों को लेते हुए, अगर लेना है तो अच्छा क्वालिटी का लो, है कि नहीं, पर मेरा औकात नहीं है, जब औकात होगा ना तब ले लेंगे गाइस, तब कोई बात नहीं, जब औकात रहेगा ना तब मैं हक से लूँगा गाइस, किसी का पैसा नहीं, खुद का मेहनत का पैसा से लूँगा। हाँ मैं अगर मेरा भैया को मेरे दीदी को बोल दूँगा तो हाँ सबको मिला के मुझे ले दे सकते हैं, पर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उनका भी घर चलना है भाई, मैं मेरा चाहत पूरा करके मतलब क्या करूँगा ऐसे चीज़ों का जो मेरे काम होकर भी मेरे काम नहीं है, तो मैं खुद का मेहनत करके जो मैं पैसा मैं कमाऊँगा उसी पैसे से मैं सामान वगैरह लूँगा। ये जो फ़ोन चला रहा हूँ ना मैं, ये भी मेरा नहीं है गाइस, ये भी मुझे मेरे भैया ने दिया है, तो मेरे भैया मुझे बचपन से अपने पापा की तरह पाल के बड़ा गया, तो मैं अपने भैया को पापा के समान मानता हूँ, मेरे भैया ही मेरे पापा है और मेरे माँ तो है अभी। तो गाइस और क्या बोलूँ आप सबको, कुछ नहीं बोल सकता। और लाइफ में जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ते जाएगा वैसे ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलते जाएगा कि क्या हो रहा है सानू भाई की ज़िंदगी में। और काफ़ी लोग बोलते हैं तुम ब्लॉग बना क्यों बनाते हो, तुम्हारा ब्लॉग अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छा नहीं लगता तो मत देखो ना गाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे ब्लॉग अच्छा नहीं लगता तो मत देखो, कोई बात नहीं है भाई, मैं ब्लॉग क्यों बनाता हूँ वो मुझे पता है ना कि मैं ब्लॉग क्यों बनाता हूँ गाइस, लोगों को मैं एंटरटेन करता हूँ और उसी एंटरटेन में मुझे मेरा बाद में मुझे मेरा बचपन दिखेगा, इसीलिए मैं बनाता हूँ, मुझे मेरे पल को मिस नहीं करना गाइस, मुझे ऐसा फील होता है ना कभी कभार कि मैं वीडियो बना, काश मैं बचपन की वीडियो बना के रखता तो मैं भी मेरे बचपन का वीडियो देख पाता, काश मेरे पापा में वीडियो बनाते तो मैं अभी मेरे पापा के वीडियो देख पाता, इसी तरह मैं वीडियो बनाता हूँ कि मैं बाद में जाके मेरा बचपन को मैं फिर से देख सकूँ। और अगर किसी कारणवश मैं नहीं रहता हूँ तो मेरे घर वाले मुझे देख सकेंगे उस वीडियो के ज़रिए, मुझे याद कर सकेंगे, इसीलिए मैं बनाता हूँ वीडियो गाइस, मुझे पैसों का लालच नहीं है, मैं पैसा तो एक दिन काम करके उसी से मेरा पेट भर सकता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ज़िंदगी का ऐसा आराम, अगर मिल भी जाता है तो वो ऊपर वाला की दुआ होगा और ऊपर वाला का आशीर्वाद होगा, मीन्स वही है। और क्या बोलूँ आप सबको यार, दिल की बात बताना था तो बता दिया, मेरे दोस्तों को अभी ऐसा है नहीं, जिसे अपना माना था वो तो धोखा दे के चले गए, मेरे जितने दोस्त थे उसमें से सिर्फ कुछ कुछ दोस्त मुझे याद करते हैं,
और मेरे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कनेक्ट में रहते हैं, पर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी मतलब इग्नोर करते हैं, काफ़ी इग्नोर करते हैं। सो उन लोग से मैं दूरी रहता हूँ एंड दूरी रहना पसंद करूँगा। और जितने भी मेरे पास है मुझे चाहते हैं एंड लव यू सो मच फ्रॉम हार्ट, बहुत ज़्यादा प्यार है आप सबको। और क्या ही बोलूँ, और बोलने का कोई अल्फाज नहीं है मेरे साथ। ऐसे हम लोग बात करते करते काफ़ी पीछे चले गए थे, और बाबू काका बोल रहा है भाई इधर का डेली मार्केट तो बंद है आज। मालूम नहीं था बंद होगा बोल के, हम लोग डेली मार्केट आए थे, मार्केट बंद है। तो अभी हम लोग फिर वापस घूम के जा रहे हैं भाई, बेइज्जती हो गई। लोग काफ़ी घूम घूम के देख रहे हैं भाई ये क्या कर रहा है, बोल रहे भाई मेन रोड खाली मिल गया तो अकेले व्लॉग बनाओगे बोल रहे। बाबू का ज़रा बता दो क्या हुआ था, क्या होगा ये पूरा, मतलब थोड़ी देर पहले हम बोला था हाँ इसका नाम क्या था ब्लॉगर का, भूल गया शायद, वगैरह वगैरह छोड़ो हो जाएगा। तो मतलब बातें करते 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 कहाँ तक पहुँच गया उसको पता ही नहीं चला। ये बैंगर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, तुम क्या बोल रहे हो आज यार, इधर रास्ता क्यों खाली है, रोड क्यों इतना खाली है, क्यों इतना ना, क्यों इतना सन्नाटा है जी भाई, इतना साइलेंट क्यों हुआ, कौन चिल्ला रहा है भाई उस साइड पे, क्या हुआ पता नहीं। ये दबा दिया गाड़ी को भाई, जाने काफ़ी ट्रैफिक है गाइस आज, देख सकते हैं काफ़ी लंबा ट्रैफिक है पीछे साइड पे, और ये मेन रोड खाली हो गया ना उस तरफ, ब्लॉक कर दिया उस साइड पे, ब्लॉक कर दिया है। सो इस साइड पे गाड़ी नहीं आ रहा, तो उस साइड पे, उस साइड से जा रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा गाड़ी होने के कारण मतलब वो हो रहा है, क्या ट्रैफिक जाम हो रहा है गाइस, क्या मैं बार बार भूल जाता हूँ बातों को यार। रोड उधर में ख़राब हुआ है, हाँ रोड को बना रहा है, हाँ जो क्या बोल रहा है, क्या बोलता है, कल मंडे है क्या, ऐसे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे मतलब इतना तक हो जाएगा भाई, सामने इलेक्शन आ रहा है ना, इसीलिए अभी क्योंकि मेरे लोग रोड में घूमेगा अप डाउन करेगा, इसीलिए रोड खराब हुआ है, बना रहा है, दिखा दे रहा है वो कचौदा लोग को। बैंगर भाई, बाबू काका है, बाबू काका इज बेस्ट, सच बात बोलने, सही बोलने से एकदम कड़वा लगता है ना, बात तो सही है। मेरा कार सामने खड़ा हुआ है, चलो चलते हैं उसमें सफर करते हैं। अच्छा है तुम आगे है, हाँ यार, अच्छा चलो चलो गाइस, इस बाबू काका का गाड़ी आगे तरफ है बोल रहे हैं, तो उसमें देखना पड़ेगा कैसा है बाबू काका गाड़ी, चलो यार चलो देखते हैं भाई, दिखाओगे ना, कैसे सुपर, सच में यार निराश तो नहीं करोगे ना, ना यार क्यों, ओके चलो गाइस, हम कुछ देर पहले बोला ना हम झूठ नहीं मरता, सच में, हाँ यार ओके ठीक है, तो चलो हम झूठ नहीं मरता, ओके ओके, तो देखते हैं बाबू काका का गाड़ी। तो बाबू का आपका गाड़ी कहाँ है भाई, आओ आओ, हाँ ये रहा हमारा गाड़ी भाई, ओहो कितना दिन से ढूंढ रहा है बाबा, सच में क्या कर दिया रे मेरे का, ये क्या हो गया, गजब बेइज्जती कर दी मेरी, ये रहा बाबू काका का गाड़ी गाइस, सच में, सच में यार क्या कर दिया, किस्मत ही फूटा हुआ है सच में। अरे चलो ले गाड़ी तो स्टार्ट तो करो, अब बाप रे इतना पार्सल वगैरह दे के रखा है भाई लोगों ने, देखो बाबू का गाड़ी पे, किस्मत वाले हो जी, किस्मत वाले हैं भाई, चलो क्या करते चलो। तो गाइस हम लोग जो सोच के आए थे वो तो हुआ नहीं, और हम लोग अभी घूम के आ गए उस साइड से एंड इस साइड में इस दुकान पे रुके हैं, यहाँ पे यहाँ से कुछ ले लेंगे उसके बाद में जाएंगे, और स्ट्रीट लाइट भी आज जलानी है, काफ़ी अंधेरा सा है। सो तब तक के लिए देखते रहिए सानू भाई हैशटैग ब्लॉग चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।